टाइटन के ऊपर, जहां पर एक स्पेसशिप में थैनोस और कलोप्सिडियंस यानी कि ब्लैक ऑर्डर खड़े थे। यहां पर उस शिप से बाहर देखते हुए थैनोस कहता है, बाहर सब कुछ कॉस्मोस में मर रहा है, स्टार्स मर रहे हैं और दुनियाएं जल रही है, और एक वक्त पर मैं इस सब का कंडक्टर था, लेकिन अब मैं नहीं हूं। मुझे वो क्लिप फिर से दिखाओ करवस। और तभी करवस और ब्लैक ऑर्डर उस आउटराइडर के सर को, जो कि एक मशीन के साथ जुड़ा हुआ था, उसे कनेक्ट करके वो क्लिप फिर से दिखाने लगते हैं। और जो मेमोरीज आउटराइडर ने उस इनह्यूमन किंग के माइंड से यानी के ब्लैक बोल्ट के माइंड से निकाली थी, उसे वो दिखाने लगते हैं। तब थैनोस देखता है कि पहले 6 जेम्स उन इल्यूमिनेटिस के हाथ में थे और बाद में वो सारे जेम्स बिखर गए, टूट गए, जिस पर करवस कहता है कि अनब्रेकेबल अब टूट चुका है मास्टर, स्टोन्स गायब हो चुके हैं, जो नहीं होना था वही हो चुका है। तब उस क्लिप को जूम करते हुए वो मिस्टर फैंटास्टिक के हाथ में देखता है कि सभी नहीं, देखो ये फ्रैक्चर नहीं हुआ, बस गायब हो चुका है, और हमें सिर्फ ये पता करना है कि इसे ढूंढना कहाँ से है, और मैं ये जानता हूँ कि इसे अब कहाँ से ढूंढना शुरू करना है। तब सुपर जेंट कहती है, मास्टर लेकिन आपको क्या लगता है कि बाकी सब जा चुके हैं और अब गाउंटलेट फिर से रिफॉर्म्ड नहीं किया जा सकता, तो हम एक के ऊपर अपना वक्त बर्बाद क्यों करें, ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शन होगा, हमारे पास दूसरी दुनियाएं हैं तबाह करने के लिए। तब थैनोस उसे कहता है, क्या तुम्हें पता है कि गॉड बनना कैसे लगता है? तब वो कहती है, नहीं अभी तक तो बिल्कुल भी नहीं पता। तब थैनोस कहता है, हाँ अब तक, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये कैसा लगता है, ये कई दुनियाओं से बढ़कर है, ये सारी दुनियाओं से बढ़कर है। तब इमोनिमा पूछता है, लेकिन मास्टर हमारा उस रीजन का क्या जिस वजह से हम अर्थ पर जाने वाले थे, हमारे ट्रिब्यूट का क्या? तब थैनोस कहता है, तुम और बाकी कलोप्सिडियंस मेरे लिए उन जेम्स को लाओगे, और तब तक मैं वो करूंगा जो मुझे करना चाहिए था, और वो ट्रिब्यूट मेरा होगा। कलोप्सिडियंस न्यूयॉर्क सिटी, अभी इन्वेजन शुरू हो चुका है, जहां पर रीड रिचर्ड और टोनी दोनों ही एवेंजर्स टावर में एंटर होते हैं, जहां पर टोनी कहता है, जल्दी करो रीड, हमारे पास वर्क बहुत कम है, मैंने आग रिएक्टर को टावर के नए डिफेंस सिस्टम को पावर देने के लिए प्रोग्राम कर दिया है। तब रीड कहता है, मैंने मेजर कर लिया है टोनी, हमारे पास 60 सेकंड्स है इस सब को ट्रायंगुलेट होने से पहले शूट करने के लिए, और हमारे पास अभी भी स्मॉल विंडो एक्टिवेटेड है। तब टोनी अपनी सीट पर बैठते हुए कहता है, सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है, बैटरीज को ऑनलाइन ला रहा हूं। और तभी हम देखते हैं कि टावर धीरे धीरे अपने डिफेंस सिस्टम्स एक्टिवेट करने लगता है और उन सभी शिप्स पर अटैक करने लगता है। तभी रीड उसे पूछता है कि मेरे इस सेकंड स्टेशन पर ग्रीन लाइट चमक रही है, अब क्या करना है टोनी? तब टोनी कहता है, इसका जवाब तो बच्चे भी दे सकता है, फायर करो। और तभी एक बड़ी सी कैनन बाहर आकर उन सभी पर फायर करने लगती है, जिसे देखकर टोनी कहता है, लगता है इसका किलिंग रेडियस मिलो तक है, इंप्रेसिव, लेकिन अब हमने उनका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है, सभी विंग्स अपनी पोजीशन पर है, 15 सेकंड्स में तैयार होंगे। तब रीड कहता है, अच्छा है, सबकी नजरें हम पर है, और अगर हम लकी रहे तो बाकियों को इस वजह से टाइम मिल जाएगा। वकांडा, जहां पर ब्लैक पैंथर भाई बहन यानी कि शूरी और टचाला थैनोस की आर्मी से लड़ रहे थे, और उन्होंने पहले ही अटलांटिस के साथ लड़ाई की थी, इस वजह से उनके डिफेंस सिस्टम्स और वेपन्स ऑलरेडी एक्टिवेटेड थे और अपग्रेड भी, इसी वजह से उन्हें डिफेंस में काफ़ी मदद मिल रही थी, लेकिन उनका मेन टारगेट ये था कि कोई भी उनके सिटी तक ना पहुँच पाए, और गोल्डन शील्ड उन पर होने वाले ऑर्बिटल बॉम्बिंग से उन्हें बचा रही थी, और उनका अपग्रेडेड डिफेंस सिस्टम थैनोस की आर्मी पर पूरी तरह से टूट पड़ रहा था। उनका मकसद यह था कि कुछ भी हो जाए लेकिन वकांडा अपने घुटनों पर नहीं आना चाहिए। जहाँ पर शूरी कहती है, ये तो हो चुका है भाई, लेकिन हमें इसके पीछे के मेन आदमी को ढूंढना होगा। तभी वो कहती है कि भाई पीछे देखो, जहाँ पर जंगल फील्ड से मिल रहा है।
तभी वो देखता है कि वहां से ब्लैक ड्वार्फ चलकर आ रहा था। तब वो कहता है कि लगता है कि अब शेर का शिकार करने का वक्त आ चुका है। तभी उसकी तरफ बढ़ते हुए ब्लैक ड्वार्फ कहता है कि मुझे लगा था कि इस दुनिया में सभी लोग वीक है, सभी लोग मरने के लिए पैदा हुए है, सब लोग जल रहे है, लेकिन लगता है कि थैनोस को जो चाहिए था वो थैनोस को मिल जाएगा। मैं हूँ ब्लैक ड्वार्फ और मुझे वो जेम चाहिए। तो कोई ग्रेट वॉरियर है जो मुझसे लड़ सके और मुझे हराने का दम रखता हो? तब ब्लैक पैंथर बिजली की तेजी से आगे बढ़ते हुए कहता है, मैं हूँ वो जिसकी तुम्हें तलाश है, मैं हूँ ब्लैक पैंथर, मरे हुओं का राजा। और इतना कहते ही वो एक ही पंच में ब्लैक ड्वार्फ को धूल चटा देता है। और वो आगे कहता है, और जल्द ही मैं तुम्हारा नया लॉर्ड बनूंगा। एटलांटिस अपने वकांडा के साथ हुए वॉर की वजह से पहले ही तबाह हो चुका था, और प्रकोसिमा मिडनाइट को आते ही पता चलता है कि वो पहले ही तबाह हो चुके हैं। और उसके सोल्जर्स उससे पूछते हैं कि जनरल, क्या थैनोस ने इससे पहले भी किसी को यहाँ पर तबाही के लिए भेजा था? तब वो कहती है, नहीं, लेकिन मुझे उस आदमी की तलाश है जिसके पास इन्फिनिटी जेम है। और तब वो देखते हैं नेमर को, जिसके पास जाकर वो कहती है, तो ये रहा वो टूटा हुआ प्रिंस जो कि इस टूटी हुई सिटी का रूलर है। और यहाँ पर जेम तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये इस काबिल भी नहीं है कि ये अपने लोगों को बचा सके, वरना वो इस सब के लिए जिम्मेदार नहीं होता। तब नेमर कहता है कि मैं तुम्हें पहले ही चेतावनी दे दूँ कि मैं अभी किसी भी बेवकूफ़ी के मूड में नहीं हूँ, तो बताओ तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए? तब प्रोक्सिमा कहती है, मैं हूँ प्रोक्सिमा मिडनाइट ब्लैक ऑर्डर से, और मैं यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए आए हूँ, लेकिन तुम पहले से ही मर चुके हो, सिर्फ तुम्हें इसका अंदाजा नहीं है। तुम्हारा रेपुटेशन नेमर अब तबाह हो चुका है, और जिस आदमी के साथ मैं खेलने आई थी वो यहाँ पर है ही नहीं, तो मैं तुम पर मर्सी कर सकती हूँ कि तुम थैनोस की डिमांड को पूरा करो और मैं तुम्हारे इस बचे कुचे शहर को जिंदा छोड़ दूंगी। और वो उससे पूछती है कि मुझे बताओ कि इन्फिनिटी जेम कहाँ पर है, क्या तुमने मुझे सुना कि मैंने तुमसे क्या कहा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी अगर तुमने मुझे वो बताया? तुम्हारे बचे कुचे एटलांटिस को मैं कुछ नहीं करूंगी। सैंक्टम सेक्टोरियम न्यूयॉर्क, जहाँ पर एक स्पेसशिप खड़ा था और अंदर वॉन्ग बंधा हुआ पड़ा था। तभी आवाज आती है कि सबकी अपनी अपनी लिमिट्स होती है और यही लिमिट्स उन्हें अपने अंत की तरफ ले जाती है। तो किसी को भी इंफॉर्मेशन के लिए ऑपरेट करना और उनके इंफॉर्मेशन के साथ उनकी वीकनेसेस और उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पता करना मेरी खासियत है। और तब हम देखते हैं इबुनी माओ को, जो कहता है कि मेरे शब्दों पर ध्यान दो और मेरे शब्द ही मेरे हथियार है, तो बताओ तुम्हारे सीक्रेट्स, तो बताओ डॉक्टर जो एबोनी माओ को चाहिए, बताओ मुझे अपनी सारी मिस्ट्रीज जो तुम्हारे माइंड में अभी तक छुपी हुई है। तब डॉक्टर कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि जेम कहाँ पर है। तब डॉक्टर स्ट्रेंज को प्रेशराइज करते हुए एबोनी माओ कहता है कि बताओ डॉक्टर कि जेम्स कहाँ पर है, पागल मत बनो, जल्दी से कहो जो थैनोस जानना चाहता है। जीन ग्रे स्कूल न्यूयॉर्क सिटी, जहाँ पर सुपर जायंट और कर्वस क्लेव आ चुके थे उस जेम को लेने के लिए, और यहाँ पर एक्समैन्स उनका सामना कर रहे थे। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए कर्वस कहता है, आगे जाओ और उसको ढूंढो जिसके पास वो जेम है। देखो सुपर जायंट, तुम किस पर कंट्रोल कर सकती हो? और तब सुपर जायंट आगे बढ़ते हुए कहती है कि इनमें से बहुत सारे लोग नाकाबिल है, लेकिन मैं ओमेगा म्यूटेंट पर अपना जादू ट्राई करूंगी, मैं उस मेगामॉर्फ को अपने कंट्रोल में लाऊंगी। और वो मेगामॉर्फ था आइसमैन, और जैसे ही वो आइसमैन पर कंट्रोल कर लेती है वो उन सभी म्यूटेंट्स पर आइसमैन के साथ हमला करने लगती है। तब लोगन कहता है कि बॉबी अपना माइंड खो चुका है। तब हैंक उसे बताता है कि इससे अच्छा तो यही था कि वो चोरी हो जाता, लेकिन तुम्हें उन इन्वेडर्स को रोकना होगा लोगन, क्योंकि अगर तुम्हें बॉबी को रोकना है तो तुम्हें उन्हें रोकना होगा। तब आगे बढ़ते हुए लोगन कहता है, तो ठीक है मैं इन्हें देख लूंगा, लेकिन इससे पहले कि लोगन उन्हें कुछ कर पाता, कर्वस का ब्लेड लोगन के आर पार हो जाता है। और तभी अपने ब्लेड के साथ लोगन को उठाते हुए वो कहता है कि सारे वॉरियर्स इसके सामने फीके पड़ जाते हैं और अपने अंत की तरफ बढ़ते हैं, अपने ग्रेव में दफन हो जाते हैं, और यही दिन तुम्हारे लिए भी है म्यूटेंट, ये तुम्हारा आखिरी दिन है। और इतना कहते ही वो लोगन को नीचे पटक देता है। यहाँ पर हैंक ये देखकर चौंक जाता है, लेकिन आइसमैन यहाँ पर अपने काबू से बाहर हो चुका था, और स्ट्रॉम अटैक करती है और
उसे काबू से बाहर लाती है। लेकिन यहाँ पर रिचेल ग्रे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए कहती है, तो देखते हैं विच कि तुम अपने किए गए जादू के फेवर को रिटर्न होने के बाद क्या महसूस करती हो। और वो सुपर जायंट पर हमला करती है जिस वजह से बॉबी उसके कंट्रोल से बाहर निकल जाता है। यहाँ पर वो बताती है कि आइस शार्प पर मेरे हाथ से निकल चुका है करवस। तब करवस कहता है कोई बात नहीं क्योंकि मैं इसके साथ खेलने में बिजी हूँ। यहाँ पर वो करवस लोगन को मारे जा रहा था और वो बता रहा था कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा क्रीचर कि थैनोस का नेचर कैसा है, जो ना कभी टूट सकता है ना कभी गिर सकता है। और तुम्हें यही सीखना होगा कि तुम हमें हरा नहीं सकते, तुम हमें मार नहीं सकते। वकांडा, जहाँ पर हार चकली थी कल ऑब्सिडियन ने, यानी के ब्लैक ड्वार्फ ने। और यहाँ पर शूरी और ब्लैक पैंथर दोनों ही अपने जश्न को मना रहे थे। लेकिन वकांडा का किंग कह रहा था कि मुझे लगता है कि वो वापस आएंगे, भले ही हम अपग्रेडेड हो और भले ही वो अभी कमजोर हो, लेकिन फिर भी वो वापस आएंगे। और जहाँ तक रही बात उस मॉन्स्टर की, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हम हार जाएंगे और लगभग मैं अपना हाथ गंवा चुका था, लेकिन पता नहीं कैसे हम जीत गए। वो आगे बताता है कि उन्होंने हमारी तरफ से इतना बड़ा रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, इस वजह से वो छोटी आर्मी लेकर आ गए, लेकिन हमें तैयार रहना होगा अगले बार के लिए, शायद वो अगली बार भी फिर से हमला करे। अटलांटिस, जहाँ पर हालात बदतर थे क्योंकि नेमर अपने घुटने टेक चुका था प्रोक्सिमा मिडनाइट के आगे, जहाँ पर उसे अपने लोगों की जान बचानी थी। और एंड्रोमेडा उसे कहती है कि आप हार ना माने मेरे किंग, क्योंकि आप ही है जो अटलांटिस के लिए लड़ सकते हैं। तब नेमर कहता है चुप रहो एंड्रोमेडा, प्रोक्सिमा सही है, वो मेरी मालिक है अब। तब वो पूछती है कि कहाँ पर है इन्फिनिटी जेम, तुमने कहा था कि तुम मुझे बताओगे, तो बताओ कि थैनोस की सारी आर्मीज कहाँ पर जाए उस जेम को ढूंढने के लिए। तब वो कहता है उस प्लेस को कहा जाता है वकांडा। एटिलैन, इनह्यूमंस का शहर, जहाँ पर एक और इन्फिनिटी जेम एग्जिस्ट करता है, ऐसा थैनोस को लग रहा है। और यहाँ पर मैक्सिमस आता है और कहता है कि दुनिया आग पर है मेरे भाई, सब तरफ तबाही मची हुई है, तो एक स्मॉल स्टेप इस सब को रोकने के लिए या फिर इस सब को तबाह करने के लिए काफी होगा, एक स्मॉल स्टेप। और तभी ब्लैक बोल्ट उसे अपने हाथ पर लगा एक डिवाइस जो कि इन्फिनिटी जेम के साइज का था वो दिखाता है। और तभी उसी वक्त इल्यूमिनेटस के सारे मेंबर्स के हाथ पर वही डिवाइस एक्टिवेट हो जाता है। और ये वक्त था कि सीक्रेट सोसाइटी का सीक्रेट अब बाहर आए और उन सबको ये पता चले कि ये सब कुछ हो किसके लिए रहा है। और अब उस मशीन को यूज करने का टाइम आ चुका था, उस प्लान को एक्शन में लाने का टाइम आ चुका था जो कि मोशन में आने के लिए तैयार किया गया था। और यहाँ पर मैक्सिमस और ब्लैक बोल्ट देख रहे थे एटिलैन के ऊपर की एक शिप को, जहाँ पर मैक्सिमस कहता है ब्रदर मुझे लगता है इस सब में बहुत मजा आने वाला है। तो इसी के साथ आज का वीडियो ये पर खत्म होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो के अलावा और कोई इंटरेस्टिंग डिटेल्स पता हो तो भी मुझे कमेंट करें। और मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय हिंद।